नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। पाली जिले के रोहट में चल रही 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी में विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। वहीं साहसिक गतिविधियों ने भी जंबूरी में आने वाले स्काउट्स और गाइड्स का उत्साह बढ़ा दिया है। पसंग चलांगा जी, और सब सैर करांगा जी, और कोई रहना जावे हो सगड़ा ने बुलाओ जी। पाली शहर ये लागी है रे जंबूरी, मरु प्रदेशा गूंजे लाब जंबूरी, मरे दोधन गूंजे जंबूरी। पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ जंबूरी स्टेडियम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सबसे बड़े अस्थायी स्टेडियम अरीना का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस 7 दिवसीय जंबूरी में देश विदेश की कला संस्कृतियों का संगम हो रहा है। वहीं यहाँ आए स्काउट्स और गाइड्स को रोमांचक गतिविधियां करने का भी मौका मिल रहा है। ये दृश्य है पाली जिले के रोहट में चल रही 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी का। विशाल मैदान में लगे इन टेंट्स में देश विदेश से आए हजारों स्काउट्स और गाइड्स ठहरे हुए हैं। अस्थाई स्टेडियम अरीना का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जंबूरी में विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। इस जंबूरी को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जंबूरी में हो रही एडवेंचर एक्टिविटी को लेकर स्काउट्स एंड गाइड्स के बीच जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। जंबूरी में कैमल राइड, मंकी रोप, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून जैसी अनेक एडवेंचर एक्टिविटी आयोजित हो रही हैं। यहां पर वाटर एक्टिविटी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां बड़ी संख्या में लोग बोट राइडिंग एक्टिविटी का आनंद उठा रहे हैं। एडवेंचर गतिविधियों में सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ आने वाले स्काउट्स और गाइड्स को भी यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है। मेरा नाम प्रीति चौधरी है, मैं अलवर जिले में बलडोद गांव से आई हूँ। हम पिछले 2-3 दिन से आए हैं, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। एडवेंचर किया है हमने बहुत ज्यादा। यहाँ पे हम सब कैंप में बाहर आते हैं, रोज सफाई करते हैं, मतलब बहुत काम करते हैं। और यहाँ पे हमने टायर होल और बाकी रॉक क्लाइंबिंग, एयर गन सब कुछ किया है। यहाँ पे अगर लड़कियों की सुविधा की बात करें तो बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई है। टॉयलेट वॉशरूम बहुत अच्छे, हाइजीनिक है, बेटर देन वी एक्सपेक्टेड, बहुत अच्छा है। एंड खाना भी बहुत टेस्टी बनता है, बहुत हाइजीनिक होता है, सब हाइजीन से हुआ जाता है। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, हमें बहुत कम्फर्टेबल लगता है। एज अ लड़की हमारी सेफ्टी भी बहुत अच्छी होती है, सब स्काउट्स भी हमारी बहुत अच्छे से मदद करते हैं, हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं, और हमारे सर भी बहुत अच्छे से। इस जंबूरी में विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। यूपी के सोनभद्र से आए स्काउट्स ने कर्मा नृत्य की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। जंबूरी में लगाई गई विकास प्रदर्शनी में मॉडल स्टेट राजस्थान की तस्वीर भी दिख रही है। इस विकास प्रदर्शनी को देखने के लिए आम लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहां लोगों को राज्य सरकार के विकास कार्यों, उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुजस बुलेटिन, पाली। यहां पर ये 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन, जिसका आगाज हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। यूँ तो कई वर्ष पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी की यह आत्मीय इच्छा थी कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय जंबूरी हो, और आखिर वह दिन आ ही गया। 6 महीने से हमारे ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर इस कार्य को, यहाँ पे बहुत जंगल था, इसको समतल किया गया, और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यहाँ पर सभी सरकारी महकमों से सहायता मिली, और हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने भी बहुत मेहनत की है।
सो जिस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।